बस 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 पीला पीला रख लाइन लग जाता है मेरे को बोला है। भूख काफी छोड़ी हो कुछ उतरा नहीं अभी सब आइटम है अलग अलग नहीं भाव उतरा नहीं है मतलब भाव नहीं उतरा है पर वो ऐसा बीज में है कि ऐसा खुद नहीं ऐसा पहले पीले जा अरे बीजा में रहा 30,000 भी आ जाएगा 30 नहीं 40 होना तो सबको घर लेने के सर देखिए त्यौहार का मौसम आ चुका है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि घर में सोना हो, लेकिन यहाँ पे एक और एक मैसेज घूम रहा है कि सोना जो है काफी सस्ता हो चुका है, क्या हकीकत है? नहीं नहीं जो व्हाट्सएप मैसेज आया है वो रॉन्ग है, उसमें कुछ 27-28 हज़ार रुपए का भाव दिखाया और एक्चुअली वो रेट है नहीं। आज भी 46,600 के रेट चल रहे हैं, कभी 47 कभी 48 इस रेंज के अंदर ही ये रेट घूम रहे हैं। और जो एक न्यूज था कि बहुत कम हो गया वो गलत न्यूज है। लॉकडाउन के पहले के जो रेट थे उसकी कंपेयर में रेट कम हुए 10-12 हज़ार लॉकडाउन के पहले। जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था लॉकडाउन तभी रेट बढ़ के हो गए थे 58,000 से 59,000 पर 10 ग्राम। आज वही 46,000 से 47,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, इट मीन्स 10 से 12 हज़ार रुपये कम हुए। सर अभी ग्राहकों की तादाद कैसी है? अभी ग्राहक आने लगे और अच्छी तरह से आ रहे, डिजाइने भी बहुत नई नई आ गई है और कारीगर जो वर्क कलकत्ता गया हुआ था वो भी पुनः लौट चुका है, तो अभी सब ट्रैक पे आ रहे हैं। दिवाली तक पूरा नॉर्मल होने की संभावना है। देखिए सबसे बड़ा मुहूर्त होता है दशहरा, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे? 2 साल से लोगों के पास धंधा बिजनेस नहीं था, इस अनुमान को लगाते हुए इस टाइम धंधे और दिवाली बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसे हम सभी व्यापारियों की कल्पना है। सर उत्सवांचं सीजन चालू झालं आहे, सर्वत्र आता हळूहळू जीवन पूर्वपदावर आलं आहे, पण बातमी अशी आली की सोन्याचा भाव घसरला आहे, मुळात काय ग्राउंड रिपोर्ट आहे? बघा सोन्याचा भाव घसरला नाही आहे, आता पहिले लॉकडाऊनची कम्पेअर करेल तर कमी झाला आहे, पण जे आता 1.5-2 महिन्यांनी जे रेट होता तो रेट आहे त्याच्यात खाली 500-700 रुपये कमी झाले, असा काही मोठा फरक पडला नाही। आणि हा पद्धत तर कंटिन्यू चालत असतं, रोज कधी 500 कमी होते, कधी 800 कमी होते, कधी 1,000 वाढते, ते चालू असते। एवढा काय भाव घसरला नाही, भाव लॉकडाऊनचा पहिले जे भाव होता 58,000-60,000 त्याची कंपेअरमध्ये कमी झालाय। सर लॉकडाऊनच्या आधीच्या खरंच तुलनेमध्ये 10-12 हज़ार भाव कमी झाला आहे, परंतु आता सर्वत्र गणपती नुकतेच गेले, नवरात्र येणार आहे, ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा आहे? आता ग्राहकाचा प्रतिसाद वाढला आहे, लोकांनी एवढ्या महिनेपर्यंत खरेदी जी नाही केलेली, लग्नाचे सराय पुढे येत आहे, मोठमोठे सीजन चालू आहे, तर आता गिराक यायला चालू झाले आहे। सर आणखीन एक बातमी होती की यावर्षी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी असल्यामुळे डिझाईन नवीन येत नव्हता मार्केटमध्ये, डिझाईनची काय परिस्थिती आहे? नाही डिझाईन आता येऊ लागली, पहिले काय होतं की सगळे कारीगर कलकत्ती कारीगर जे होते ना ते सगळे गावात होते, आता एक एक करून सगळे कारीगर यायला लागले आणि 50-60% कारीगर आले आहे, आल्यामुळे आता परत सगळी नवीन डिझाईन, नवीन कॉन्सेप्ट, नवीन डिझाईन हा सगळं चालू झाली आहे। आता देवाला प्रार्थना आहे की पुढे लॉकडाऊन येऊ नये आणि हा कंटिन्यूअस राहू।